अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकाश। आप लोगों ने वज़ीर आज़म का यह बयान तो सुना ही होगा, क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? इसका क्या बैकड्रॉप हो सकता है? क्या वजह? क्या चल रहा है रशिया और यूक्रेन में? क्या वजह है रशिया ने मुंह उठा के यूक्रेन में हमला क्यों कर दिया? अब इसका थोड़ा सा बैकड्रॉप बताएंगे और फिर बताएंगे कि आज वहां पर क्या चल रहा है और आइंदा रशिया को इस जंग के बाद किन जो है ना मामला का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले सोवियत यूनियन, जब 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई, उसके बाद सोवियत यूनियन और यूएसए दो पावर्स बन गए और यूएसए और वेस्ट ने मिलकर नेटो बना दी। उनको टेंशन थी कि कहीं सोवियत यूनियन मजीद बढ़ ना जाए, उन्होंने नेटो बनाई। नेटो का काम ही ये था कि उसे सोवियत यूनियन को रोकना है, और 1991 में वो इस चीज में काफी हद तक कामयाब हुए कि सोवियत यूनियन टूट गया, खत्म ही हो गया। एक मुल्क जो तकरीबन 70 साल तक रहा, एक यूनियन जो 70 साल तक कायम रही, वो टूट गई, बिखर गई और कई मुल्कों में तकसीम हो गई। 91 के बाद 2000 तक उनमें से कई ममालिक जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, नेटो ने अपने आप में शामिल कर लिया। अब मसला ये हो रहा था कि रशिया का जो वेस्ट है और यूरोप का जो ईस्ट है, अब वहां पे रशिया जो है वो अपनी एक सिक्योरिटी चाहता है, वो नहीं चाहता कि वहां पर मजीद नेटो जो है उसके नजदीक से नजदीक तर आता जाए। लेकिन नेटो जो है अब एक्चुअली तो उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया था 91 में, अब नेटो को तो डिसॉल्व हो जाना चाहिए था, सोवियत यूनियन खत्म, नेटो भी खत्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नेटो विद अमेरिका आगे बढ़ते चले, बढ़ते 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 यूरोप पोलैंड तक भी पहुंच गए। पोलैंड के बाद दो मुल्क बचते थे, एक बेलारूस और एक यूक्रेन, जो बिल्कुल जो है रशिया है, मौजूदा रशिया है उसकी बिल्कुल सरहद पर है। अब मसला यह था, यूक्रेन में एक पहले गवर्नमेंट थी, जो पुराने सदर थे वो प्रो रशिया थे, उनके रशिया के साथ बड़े ताल्लुक थे और वो बनिस्बत न्यूट्रल थे, वो किसी की तरफ झुकाव नहीं रखते थे क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए थे। सारी बातें वो अपने आप को सेफ रखना चाहते थे। वहां पर एक नई लहर दौड़ी तो उन्होंने कहा नहीं, हमें यूरोपीय यूनियन और नेटो में शामिल होना है। नए सदर वहां पर आ गए, जो इस वक्त व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, ये एक कहा जाता था कॉमेडियन थे और बाद में जो है ना ये सदर बन गए। और इनका जो था स्टांस था, ये प्रो वेस्ट था, ये चाहते थे हम नेटो में शामिल हों, नेटो यहां पर आए। अब अगर यूक्रेन भी नेटो में शामिल हो जाता तो नेटो का जो मोटो है वो तो ये है कि अगर नेटो के किसी एक रुकन मुल्क पर हमला होता है तो मतलब तमाम नेटो ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा, 40-45 मुल्कों पर हमला जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। उसमें फिर यूएस भी शामिल हो जाता है, कनाडा भी होता है, ऑस्ट्रेलिया भी होता है, यूके भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, सब है उसमें शामिल। तो अब मसला ये था कि अगर यूक्रेन नेटो में चला जाए तो यूक्रेन में ला के नेटो और अमेरिका जो है वो अपने मिसल्स ला के बिठा देंगे। यहां पे रशिया है, यहां पे यूक्रेन है, मिसल जो है उनके बॉर्डर पर मौजूद है, तो जाहिर बात है रशिया तो इनसिक्योर फील करेगी। अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया यूं करे तो पाकिस्तान तो बर्दाश्त कर नहीं सकता ना, वो छोड़े। अगर यूएस के बॉर्डर पर, कनाडा पर रशिया लाके अपने मिसल्स बिठा दे तो क्या यूएस बर्दाश्त करेगा? अरगज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्यों करेगा? तो उसी तरह रशिया ने भी बर्दाश्त नहीं किया। ये मामला 2010 की दहाई जैसे शुरू हुई, ये मामला शुरू हुआ और इसी वजह से 2014 में जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने क्रीमिया पर अटैक किया और क्रीमिया पर जो है ना अपना कब्जा जमा लिया और उसको रशिया का हिस्सा बना लिया और एक वार्निंग दी यूक्रेन को कि अगर आप लोगों ने ये चीज जारी रखी तो हम आप पर आगे भी हमला कर देंगे, और कहा कि बराए मेहरबानी आप ये अपनी जो जिद है नेटो वाली ये छोड़। लेकिन ज़ेलेंस्की तो ज़ेलेंस्की हैं, उनको बड़े जो है ना सुहाने ख्वाब वहां पर दिखाए जा रहे थे, बड़े सब्ज़बाग़ दिखाए जा रहे थे, लेकिन वो तो गए वहां पर। उन्होंने कहा कि मैंने नेटो में जाना, आखिरी हद तक वो जा चुके थे और तकरीबन अब अनऑफिशियली तो वो नेटो के मेंबर हो चुके थे, ऑफिशियली अब तक नहीं हुए। अगर ऑफिशियली हो जाते तो जाहिर बात है रशिया और नेटो की अब तक लड़ाई शुरू हो चुकी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बार बार रशिया के कहने के बावजूद भी वो नहीं माने, तो रशिया ने क्या किया कि उन्होंने जो इस वक्त यूक्रेन के जो फार ईस्ट में जो दो जो है ना शहर है वहां पर रशिया ने प्रॉक्सी शुरू करवाई और वहां पर बगावत उठ गई। बगावत उठने के बाद उन्होंने आजादी का ऐलान कर दिया और रशिया ने फौरन उनकी जो है वो उनको एक आजाद रियासत मान भी लिया, हाँ जी बिल्कुल ये आजाद है, और फिर इसीलिए उन्होंने अपनी फौजें भी वहां पर उतार दी कि हम लोगों ने इन इलाकों का दिफा करना, और इन इलाकों का दिफा करते करते उन्होंने पूरे यूक्रेन पर भी हमला कर दिया। अब यूक्रेन पर हमला करते करते वो कीव तक पहुंचने वाले। अब ऑब्जेक्टिव क्या है रशिया के? ऑब्जेक्टिव सिंपल है, वो अब दो किस्म के हो सकते हैं। अब कीव के साथ जो है ना एक जरा दरिया गुजर रहा है, उससे लेकर ईस्ट का पूरा यूक्रेन है रशिया का पहला ऑब्जेक्टिव। दो तीन ऑब्जेक्टिव है, कोई भी हो सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये लग रहा है
कि वो इसको और इस हिस्से को अलग कर देंगे, दो टुकड़ों में यूक्रेन को बांट देंगे, तो फिर इस हिस्से को नई रियासत बनाकर वहां अपनी गवर्नमेंट कायम कर देंगे, नई जो है ना पपेट गवर्नमेंट बना देंगे, और इस तरह रशिया जो है उसके दरमियान और नेटो के दरमियान एक बफर जोन बन जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि वो कीपर भी अटैक जो है ना अटैक करके वहां पे कब्जा कर ले, कब्जा करने के बाद वो वहां पर एक नई गवर्नमेंट अपनी पपेट गवर्नमेंट बना दे जो प्रो रशिया हो, जो प्रो वेस्ट ना हो, प्रो रशिया हो, और वहां पर उस गवर्नमेंट को रशिया मॉस्को से कंट्रोल करता रहे, ठीक है। और तीसरी ये हो सकती है कि अब यहां पर अटैक किया, उनको डरा दिया, डरा के वापस चले गए, हो सकता है कि आगे यूक्रेन अगले 15-20 साल कोशिश ना करे वेस्ट की तरफ देखने की, नेटो की तरफ जाने की, तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं।